हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रही थी मैं कौन सा सोप यूज़ कर रही हूँ, जिससे क्या है कि बिल्कुल स्मूथ मेरी स्क्रीन हो गई है, जो अभी मुझे थोड़ा सा रफली लगती थी। अभी मैंने जो यूज़ करना शुरू किया है एवोकाडो सोप, बहुत ही फ्रेशनेस चेहरा लग रहा है। और अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये, आप देख रहे हैं ये है एलोवेरा जेली, और ये भी बहुत अच्छी क्रीम है जो मैंने अपने लिए मंगाई है। आपको इसके फ़ायदे मैं गिनाऊंगी तो आप भी बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे। अपनी बॉडी है, अपनी स्किन है, तो अपने स्किन को स्किन केयर करनी ज़रूरी है। तो मैं अभी अप्लाई करती हूँ और इसकी बिल्कुल ही थोड़ी सी ही लेनी रहती है। ये नहीं कि जैसा कि हम बहुत सी क्रीम में रखते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने मटर के दाने के बराबर ही क्रीम ली हुई है, और ये इतना स्मूथी टेक्चर है। और मैंने इसको अपने फेस पे केवल अप्लाई किया है और मैं पूरे दिन ऐसे ही रहती है, कोई ड्राइनेस नहीं, कोई इसमें चिपचिपापन नहीं है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे दे रही है। मैं इसके बारे में आपको पूरी चीज़ डिटेल में बताती हूँ कि इसको अप्लाई करने से क्या फ़ायदा। हेलो एवरीवन, सो रेडी टू स्टार्ट शालिनी की जुबानी फॉरएवर की कहानी सुनने के लिए। आज मैं जो प्रोडक्ट आपके पास लेके आई हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत डार्क सर्कल हो गए थे आँखों के नीचे, और थोड़ा सा जो मेरी स्किन थी वो भी थोड़ा रफली होने लगी थी, मुझे थोड़ा सा झाइयाँ होने लगी थी, तो मुझे लगा कि कुछ मैं केयर करूँ। और थोड़ा सा यहाँ पर इचिंग, जैसे धूप में कहीं जाना आना तो बहुत इचिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिससे कि मैंने ये यूज़ करना शुरू किया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रोडक्ट मंगाए हैं फॉरएवर से, तो मैंने जो प्रोडक्ट बनाया, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं इस समय क्या एवोकाडो सोप यूज़ कर रही हूँ। और जैसा कि मैं आपको बताई थी कि मैं जैसे ही निकली, मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया कि मैं इस समय एलो एवोकाडो फेयर फेस बॉड यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा सोप है, और इसमें जो सिट्रस एसेंट होता है ग्रीन कलर में रहता है, और ये आपका एटलीस्ट 3-4 मंथ्स आपके लिए हो जाता है, जैसे कि हम अपने फैमिली में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये हमारे जो फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं या डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, उसको भी ये नरिस करके और हेल्प करने का, उसको रिमूव करने का काम करता है। और एलोवेरा जेली की जैसे मैं बात करूँ, जैसे ये मैं यूज़ कर रही थी, अभी आपको बताया कि इसको यूज़ कैसे करना है। नॉर्मली आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, और इसके और भी खासियत है कि आप, जैसे कि हम एलोवेरा को अपने बालों में लगाते हैं डैंड्रफ के लिए, तो ये डैंड्रव एलोवेरा जेली जो है, ये हम डैंड्रफ रिमूव करने के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। प्लस हम जब भी कहीं काम वाम करते हैं तो जल जाता है, हमारी स्किन जल जाती है, तो हम इस पर भी ये कुछ घाव जो हो जाते हैं उस पर भी ये हम अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जब हम धूप में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें बहुत इचिंग होती है, तो ये एक स्मूथ जेल क्रीम है जो हमारी जो स्किन है उसको सूदिंग पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है, और इचिंग या और बर्न जो हमारे स्किन पे हो जाता है उससे भी रिमूव करता है। तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगी कि आप भी ये यूज़ करिए अपनी बॉडी के लिए। ये मैंने जब बताया उनको तो उन्होंने भी अपने लिए मंगवाया ये एवोकाडो सोप, तो मैं उनके लिए ये और प्लस एलोवेरा जेली, ये दोनों चीज़ें मैंने उनको प्रेफर भी करी थी, क्योंकि उनको भी मेरी तरह ही सेम प्रॉब्लम थी, तो मैंने ये दोनों चीज़ें उनको प्रेफर करी, और उन्होंने भी मेरा रिजल्ट देखा हुआ है, क्योंकि मैं 15 डेज से यूज़ कर रही हूँ। तो उनके बाद उन्होंने भी मुझे ये बोला कि आप मेरे लिए भी मंगवा दीजिए, तो मैंने भी ये प्रोडक्ट मंगवाया। अब प्रॉपर्टी होती है एलोवेरा की, जो भी पॉल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर हम अपने घर के जो प्रोडक्ट हैं एलोवेरा को अपने स्किन पे लगाते हैं, जैसे कि मैंने भी अप्लाई किया था पहले, लेकिन उसमें जो येलो कलर का एक निकलता है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक भी होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए, और हमारी स्किन का सवाल है, तो हमने ये एवोकाडो और ये आपकी एलोवेरा जेली क्रीम यूज़ करनी शुरू की है, और आप मेरा इफ़ेक्ट देख सकते हैं। तो अगर आपको भी आपकी स्किन की केयर है और आप शालिनी को फिर से रेड टू स्टार्ट चैनल के थ्रू सुनना चाहते हैं उसके प्रोडक्ट की कहानी, फॉरएवर की कहानी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड केयर योर स्किन एंड केयर योर बॉडी। बाय एवरीवन।